नमस्कार, मैं हूँ रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी। क्या आप उन लोगों में से हैं जिनको कोविड हुआ, थोड़े बहुत सिम्टम्स आए, कोई जैसे मेजर सिम्टम्स नहीं आए और घर पे ही विद प्रॉपर डाइट एंड केयर आप ठीक हो गए? या उन लोगों में से जिनको थोड़ा सीवियर कोविड हुआ, हैड टू रश टू द हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल में विद प्रॉपर मेडिसिन एंड मे बी आपको ऑक्सीजन भी चढ़ी, पर नाउ यू आर रिकवरिंग एंड जस्ट फाइन। या उन लोगों में से जिनको माइल्ड टू थोड़ा सीवियर कोरोना हुआ एंड लेटर जब आपका सिटी स्कैन हुआ तो यू गॉट टू नो कि आपको निमोनिया भी हो गया है एंड फिर उस केस में या तो आपको थोड़ा स्टेरॉइड्स दिया गया या फिर कुछ ओरल मेडिकेशंस मिली एंड बाद में जब फिर से सिटी स्कैन हुआ तब योर लंग्स वर क्लियर एंड एवरीथिंग जस्ट सीम नॉर्मल। पर अभी भी अगर मैं आपको बोलूं कि शायद एज सच नॉर्मल चीजें नहीं हुई हैं, वेल According to the researchers at the universities of the Sheffields and Oxford in the UK, उसमें ये पता चला है कि कोरोना मरीज में ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक फेफड़े खराब रह सकते हैं। खास बात ये है कि इसका पता आम सिटी स्कैन से नहीं पता चल पाता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने या उनके अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 3 महीने के बाद भी उनके फेफड़े खराब हो सकते हैं। कुछ मरीजों में और अधिक लंबे समय तक भी लंग्स खराब रह सकती हैं। वेल द फैक्ट कि ये सब हमें सिटी स्कैन से भी नहीं पता चल सकता और ये बात इज एक्चुअली क्वाइट अलार्मिंग। सो इस स्टडी के बारे में एंड टू नो मोर ऑन कोविड एंड द इफेक्ट्स इट हैज ऑन आवर लंग्स एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक इन द रिकवरी, वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस, डॉक्टर मनीष साहू, अ फिजिशियन, चेस्ट स्पेशलिस्ट एंड पल्मोनोलॉजिस्ट। सो लेट्स गेट सम क्विक आंसर्स ऑन दिस पर्टिकुलर कंसर्न। Firstly, thank you for connecting with us. It's a pleasure. आपने अपने busy schedule से you took out some time, so thank you for that. And and so I'll start with a very basic question कि COVID का हमारे respiratory system में, if you could explain in like a little brief कि क्या-क्या effect होता है. Oh, first of all, COVID. General public should know this, whether COVID is symptomatic or whether COVID is asymptomatic, because 80% person ko pata hi nahi chalega ki unhe COVID hoke chala bhi gaya. But as a doctor in hospitals, when there are patients jo routine kisi dusre kaam ke liye aate hain, jinko koi idea nahi hota ki unhe kabhi COVID hua hai ya nahi hua hai, unka routine x-ray ya CT scan ya jo workup hota hai, तो उसमें पता चलता है उनके लंग्स में निमोनिया हो रखा है ऑलरेडी। सो इट इज लाइक अगर लंग्स कोविड है तो लंग्स इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। वेदर ये सीवियरिटी कितनी है वो हमें नहीं पता, बहुत कम भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकते हैं, बट अगर कोविड है तो आपके लंग्स इन्वॉल्व होंगे। सो जो निमोनिया होता है जो कोविड में, वो वायरल निमोनिया होता है, वो नॉर्मल निमोनिया नहीं होता जिसमें इन्फेक्शन होता है, बहुत हाई फीवर होता है, ये होता है, ये वायरल निमोनिया होता है, वो खुद ब खुद क्लियर भी हो जाता है लंग्स। एंड सर, आप कोविड के थोड़े हमें शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म अगर आप इफेक्ट्स बताओगे ऑन द लंग्स एंड जो डैमेजेस होते हैं उसके बारे में, इफ यू कुड एक्सप्लेन। बेसिकली दो वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमने केसेस देखे हैं, दो तरह का अटैक होता है लंग्स पे कोविड के द्वारा। एक तो वी ऑल नो कि बहुत सीवियर स्ट्रेन होता है जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा सिक होते हैं, बहुत सारी मॉर्टेलिटी भी होती है, पेशेंट एक्सपायर भी हो जाता है। सो दैट इज लाइक इट डैमेजेस द लंग्स, सो बॉडी उसको सस्टेन नहीं कर पाती और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। एक तो ये स्टेज होती है जो इररिवर्सिबल डैमेज होता है। सेकेंड, कोविड निमोनिया विदाउट एनी सीवियर डैमेज टू द लंग्स, इट इज जस्ट लंग्स के जो स्पेस है वो फिल्ड हो जाते हैं और वो फिर क्लियर हो जाते हैं इन 30 days, 35 days, 40 days आफ्टर कोविड, ये लंग्स आपके पहले की तरह ही हो जाते हैं। ओके, तीसरा होता है पोस्ट कोविड लंग्स में क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इसमें जिसको सीवियर निमोनिया होता है, जैसे निमोनिया की अब हमें सबको पता है जब HRCT होता है तो सबकी क्राइटेरिया होती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, स्कोर सबको पता है, एवरीवन नोस कि मेरा तो 3 का निमोनिया था 3/20। तो जो सीवियर होता है ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हैं लंग्स, उसमें फाइब्रोसिस होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं।
ये फाइब्रोसिस वो कॉमन वाला फाइब्रोसिस नहीं है जैसे हम गूगल पे देखते हैं कि वो बढ़ता ही चला गया और सारा लंग्स इन्वॉल्व हो गया। ये स्कार टिश्यू होता है जहाँ पे निमोनिया हुआ उस एरिया ऑफ लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया। सो इस चीज से हमें थोड़ा टैकल करना है इस फाइब्रोसिस को, कि बिकॉज कोविड तो अभी हो रहा है, लॉट्स ऑफ यंग पॉपुलेशन इज अफेक्टेड, तो हमें देखना है कि कमिंग उनके आने वाले 30 इयर्स ज्यादा कुछ दिक्कत ना, ठीक है। एंड सर जैसे हमें अभी कोविड हुआ और जैसे अभी निमोनिया भी हो गया, माइल्ड या मॉडरेट निमोनिया, तो हमें कितना टाइम लगता है टू रिकवर फ्रॉम दैट जनरल में? जैसा कि मैंने बोला, इट इज नॉट लाइक दैट, आप एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हो और आपके लंग्स में निमोनिया भी हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अंदर ही अंदर ठीक हो जाएगा। देयर इज वन टर्म, जब हम पढ़ाई करते हैं मेडिकल, तो जब हम वायरल निमोनिया पढ़ते हैं, जो कि हम रिलेट नहीं कर पाते थे, इस पर कोविड ने वो सिखाया हमें भी, वायरल निमोनिया इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट। वायरल निमोनिया का सिम्टोमेटिक और इन्वॉल्वमेंट दोनों अलग अलग होता है, मतलब वो कम इन्वॉल्वमेंट में भी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा डिप हो सकती है, और किसी किसी पेशेंट में आप देखोगे निमोनिया 20 out of 25, 22 out of 25, बट उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ऑक्सीजन भी नहीं डिप कर रहा, दे आर हेल एंड हेल्दी, उन्हें कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं हो रही। किसी पेशेंट में इट इज 6 out of 25 ओनली, बट ऑक्सीजन भी डिप कर गया, शॉर्टनेस ऑफ डिप, सो इट इज नथिंग लाइक एक टिपिकल है कि निमोनिया ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसका एज सच कोई क्लियर रीजन नहीं, आप अगर पूछना चाहो तो वैसा कुछ नहीं है, इससे कितना इन्वॉल्वमेंट होगा उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है इम्यूनिटी की के बेसिस पे या किसी भी चीज के बेसिस पे, बिकॉज यंग हेल्दी विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटीज, विदाउट एनी स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट, हेल्दी लाइफस्टाइल वाले बंदों को भी हमने कम करते हुए देखा है, सकम करते हुए देखा, और कोई और नहीं रहती जिनको लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम, उनको भी बहुत तकलीफ में जाते हुए देखा। सर जैसे जो आज मेन सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और आई एम श्योर व्यूअर्स भी हमारा इसके बारे में आप जवाब जानना चाहते हैं, कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई है एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे लंग्स बहुत दिनों तक लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज रहते हैं आफ्टर कोविड, एंड अगर हम सिटी स्कैन भी जैसे करवाते हैं उसके बाद भी हमें उसमें वो नहीं पता चलता, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या ये सही है एंड व्हाट्स योर रिस्पॉन्स? यस, मैंने भी पढ़ा है वो, दे आर सेइंग कि अगर हम एमआरआई करते हैं, ज़ेनन एमआरआई, एक्सी एमआरआई जैसे भी बोल, तो उससे हमें पता चलता है जो मोस्ट प्रोबेबली सिटी स्कैन में भी ना आए, ठीक है। सो स्टडी है, देखो मेडिकल फील्ड में कोई भी स्टडी 100% कंफर्मेटरी नहीं होती, मेडिकल फील्ड में स्टडीज होते हैं फिर उन पे व्यूज होती है, अपनी रिसर्च होती है, तो उसके हिसाब से वो स्टडी सही है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप सीटी स्कैन करो तो सब कुछ क्लियर लगे, बट ज़ेनन एमआरआई आप करो तो फिर आप पता चलेगा कि नहीं, माइक्रो लेवल पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है जो सीटी स्कैन मिस कर जाता है। एमआरआई इज वेरी सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन, जो सीटी स्कैन से थोड़ा और ज्यादा सेंसिटिव होता है, टिश्यू लेवल पे, एल्वियोलर लेवल पे देखने के, सो दैट इट डिटेक्ट्स दैट। बट देर इज स्टिल सम कंफ्यूजन, बिकॉज जो जैसे ऑनगोइंग असॉल्ट, जैसे पॉल्यूशन दैट इज ऑनगोइंग, स्मोकिंग है बहुत सारे लोगों में ऑनगोइंग, अदर लंग असॉल्ट है, तो उनके कारण भी एमआरआई में वो डैमेज आ सकता है। तो हमें पोस्ट कोविड, ये कोविड के कारण था या ऑनगोइंग असॉल्ट के कारण था, इसमें डिफरेंशिएशन करने में अभी भी थोड़ा टाइम है। एंड डेफिनेटली कोविड के कारण जब लंग्स में इतनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो माइक्रोमोलिकुलर लेवल पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट एमआरआई में दिखेगी। सो द स्टडी इज ऑल राइट, बट वी हैव टू स्टिल वेट फॉर फर्दर इम्प्लिकेशंस। तो सर जैसे कि अब लाइक वी रीड द स्टडी एंड वी आर लाइक नॉर्मल पीपल एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, एंड अगर हम जैसे हमने सीटी स्कैन हमारा बिल्कुल सही आया है लेकिन हमारा कोविड था, तो हाउ शुड वी नो कि हमें ये एमआरआई करवाना चाहिए नहीं कराना चाहिए? लाइक हम एकदम से बैठ जाएं बट फिर हमें लगे कि मन में एक डर हो तो फिर वो क्या करें? किसी कोई सा भी टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट जब होता है
स्क्रीनिंग के लिए वी कैन नॉट सेंड एवरीवन फॉर एमआरआई, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव आल्सो एंड बहुत अफोर्डेबल भी नहीं है लोगों के लिए, प्लस हर जगह वो उपलब्ध भी नहीं है, इट इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर। सो और कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट का क्राइटेरिया होता है कि वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए लोगों के लिए, वो वाइडली अवेलेबल होना चाहिए लोगों के लिए। सो एमआरआई, ज़ेनन एमआरआई एंड ऑल वी कैन डू फॉर सम ऑन सम पीपल जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल और स्टडी पर्पस, वी कैन नॉट सेंड एवरीवन टू गो फॉर दैट एमआरआई। एंड एज वी ऑल नो दिस डिजीज इज स्टिल न्यू टू अस, सीटी स्कैन इज रिस्पेक्टेबल thing which we can go for and we can relate to that ki acha lungs clear ho chuke hain to hum we can relax for that for the time being. That micromolecular level, yes, that may make the lungs little allergic, but there is nothing to be much scared of. Abhi darna nahi hai, वैसे ही already इतना panic है, लोग छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा डर जाते हैं. So abhi let's pass some time, let's go the, let's give the study also some time and let's wait for the final results. एंड सर कि जैसे हम रिकवर हो गए, सो एनीथिंग जो हमें करना चाहिए लाइक एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, द काइंड ऑफ फूड वी शुड टेक आफ्टर यू नो वी रिकवर फ्रॉम कोविड, कि हमें इफेक्ट्स ना हो। यस, सी वेदर कोविड और नॉन कोविड, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्दी लाइफ एंड अ बैलेंस्ड डाइट। हां, आप कोविड रिकवर्ड हो तो आपको डेफिनेटली ये थोड़ा और ध्यान रखना है इस चीज का, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, यू हैव टू कीप योर लंग्स हेल्दी, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, योगा एंड ऑल, बहुत सारी चीजें आजकल तो बहुत डिबेट भी चल रहा है आयुर्वेद और एलोपैथी। बट कभी भी वेदर देर इज एनी डिजीज इन द बॉडी और वेदर देर इज नो डिजीज इन द बॉडी, आप हेल्दी लाइफस्टाइल यूज करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे, नॉर्मल एक्सरसाइजेस करोगे, तो आपकी बॉडी एनीवेज बेटर ही रहेगी। और पोस्ट कोविड तो ये करना ही है, हाई प्रोटीन डाइट, आप जिन जिनको थोड़ा सीवियर होता है, जो एडमिटेड होते हैं, जिनको घर पे भी ज्यादा तकलीफ होती है, जब द मोस्ट कॉमन थिंग जो लोगों में है कि उनको वीकनेस नहीं जा रही होती, वीकनेस बहुत दिन तक रहती है, वो बेड से उठना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है कोविड पेशेंट्स, सो दिस वीकनेस, ये प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी पोस्ट कोविड, जिससे वो धीरे धीरे थोड़ा जल्दी रिकवर। एंड ऑल्सो डॉक्टर की जैसे हमें कोविड में हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ी, वी हैड वेरी माइल्ड कोविड, बट उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों में ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम बहुत महीनों तक चल रही है, तो उसमें क्या करें, वो ऐसा क्यों हो रहा है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको ब्रेथलेसनेस भी आप बोलते हो, ब्रीदिंग डिफिकल्टी बोलते हो, उनका दो रीजन जो मैंने अभी पेशेंट्स में देखा। एक तो कोविड के बाद लंग्स थोड़े एलर्जिक हो जा रहे हैं लोगों के, जैसे एस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ये सब कॉमन टर्म है, सीजनल एलर्जी। सो उसमें थोड़ा सीजन चेंज, या कोविड के बाद एसी यूज करना, जैसे कोविड के टाइम लोगों ने एसी नहीं यूज किया, फिर उसके बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो फिर एसी यूज करना शुरू करते हैं थोड़ा नॉर्मल लाइफ, तो उसके कारण थोड़ा कंजेशन होना शुरू होता है चेस्ट, जो मैंने बोला लंग्स थोड़े एलर्जिक हो जाते हैं, इसके कारण थोड़ी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब ये माइल्ड लेवल। दूसरा जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है, पैनिक, पैनिक बहुत ज्यादा हो चुका है लोगों में पोस्ट कोविड के, ब्लैक फंगस एंड ऑल का जो इतना सारा न्यूज आया, इसके कारण लोग इतने ज्यादा एंग्शियस है, इतने ज्यादा पैनिक में है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब पैनिक अटैक्स हो रहे हैं लोग पोस्ट कोविड, दिस इज लाइक वेरी कॉमन पैनिक अटैक, एवरीवन इज एंग्शियस, सो नहीं पा रहे ठीक से, नींद नहीं आ रही ठीक से, लोग 50 बार दिन में कॉल करते हैं कि सर कहीं हमें ब्लैक फंगस तो ना हो जाएगा, बट ये हाफ इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर पोस्ट कोविड पेशेंट्स। सो एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, लंग्स एलर्जिक हो रहे हैं, सो ये सारे कंबाइंड करके थोड़ी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब हो रही है बिकॉज लंग्स आर इन्वॉल्व, थोड़ी बहुत होती। ओके, एंड सर जैसे 3 months तक बोलते हैं कि वी शुड कीप अ चेक कि हमारी लंग्स आर इन गुड शेप एंड कोविड के बाद अच्छे से केयर करें, तो सर वो कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें वी शुड लुक अपॉन कि हाँ मतलब इसके बाद दो ज्यादा अलार्मिंग सिम्टम्स कि वी शुड लुक एट देम? सी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, इट्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उसके बाद कोई क्रॉनिक कफ हो रहा है, खांसी हो रही है ऐसी जो जा नहीं रही है, वूपिंग कफ मतलब लंबी लंबी खांसी हो रही है,
जो क्लियर नहीं हो पा रही, कोविड के बाद भी अब कुछ पेशेंट्स हैं जिनको महीनों से खांसी नहीं ठीक हो रही है, प्लस चेस्ट पेन होता है, मतलब डीप ब्रेथ करने पे पेन हो रहा है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ कंजेशन, चेस्ट टाइटनेस इन दम, जो कोविड के बाद जनरली धीरे धीरे ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो आपका 15-20 दिन 25 दिन तक भी लिंगर ऑन कर रहा है जो ठीक नहीं हो, देन यू मस्ट कंसल्ट अ पल्मोनोलॉजिस्ट। एंड सर ऑल्सो की जैसे हम सिटी स्कैन करवा रहे हैं, एंड देवर लाइक लॉट ऑफ डिबेट्स की यू नो इतनी ज्यादा ही बार सिटी स्कैन नहीं करवानी चाहिए, तो वॉट इज योर टेक ऑन दैट? और अगर जैसे हमने अभी कराई एंड देन एक वीक बाद यू थिंक कि योर पेशेंट इज रिकवरिंग, तो विल यू एडवाइज दैट पर्सन टू गेट अ सिटी स्कैन डन अगेन? नो नो नो, मिनिमम सिटी स्कैन्स, वन सिटी स्कैन इज इक्वल टू 400 टाइम्स ऑफ X-rays, yeah. Okay? So, जिसमें required होगी, what I followed in this COVID is, अगर mild symptoms है, तो मैं CT scan नहीं recommend कर। Plus, day 1 to day 6 पे CT scan कराने का कोई मतलब नहीं है। जहां saturation dip कर रहा है, जहां patients थोड़े symptomatic हो रहे हैं, जहां shortness of breath आ रही है, जहां खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, जहां fever बहुत ज्यादा हो रहा है, symptoms जब ज्यादा, Then day 6, 7, 8 पे सिटी स्कैन कराने से एक पिक्चर मिल जाता है लंग्स कितने इन्वॉल्व है, हमें कितना एफर्ट लगाना चाहिए पेशेंट को ठीक करने के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए या घर पे हम ठीक कर सकते हैं, ये सब देखने के लिए। रिपीट सिटी स्कैन इज ऑल्सो नॉट नीडेड अगर पेशेंट रिकवर कर रहा है, अगर हाँ अगर किसी की शुरू में ही सीवियरिटी बहुत ज्यादा थी 15-20 out of 4, तो फिर हम 20-25 दिन एक महीने बाद एक सिटी स्कैन रिपीट करके देख सकते हैं कि लंग्स में और कोई हमें एंटी फाइब्रोटिक्स देने की जरूरत है या नहीं जरूरत है, या कितना रिकवर हो चुका, कोई फाइब्रोसिस हुआ या नहीं। सिंपल केसेस, माइल्ड केसेस में ज्यादा सिटी स्कैन नहीं, एक्सरे से भी हम काम कभी कभी चला सकते। And sir, because you are in that position, you're witnessing such cases, तो आप youngsters के भी आपको ऐसे बहुत cases आपके सामने आ रहे हैं? In this way, youngsters are more involved, और COVID ने इस बार किसी को भी नहीं छोड़ा। I've seen lots of youngsters, किसी किसी में lungs बहुत ज्यादा damage हो चुके हैं, बहुत सारे succumb भी किए हैं। मतलब आई हैव सीन कैजुअलिटीज इन ऑल एज ग्रुप लाइक 20, 25, 30, 35, 40, सो दिस वाज रियली अ बैड स्ट्रेन ऑफ कोविड दिस टाइम। लास्टली एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहती थी कि आजकल प्रोनिंग जो मेथड है वो बहुत ज्यादा इट्स इन द न्यूज एंड इट्स वेरी एडवाइजेबल, सो क्या वो रियली इतना इफेक्टिव है, एंड अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्रोन पोजीशनिंग, या पोजीशनिंग जो हम पेट के तरफ से लेटते हैं या प्रोन पोजीशन करते हैं, आई विल टेल यू लिटरली दैट वाज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग इन दिस ट्रीटमेंट ऑफ कोविड एट होम, बिकॉज देयर वाज वन सिचुएशन इन अप्रैल व्हेन पीपल नीडेड ऑक्सीजन, देयर सैचुरेशन वाज फॉलिंग, देयर वर नो बेड्स इन हॉस्पिटल, देयर वर नो सिलेंडर्स, नो ऑक्सीजन सप्लाई, नो कंसंट्रेटर्स फॉर टेंट, and I used to get calls, sir meri saturation fall ho rahi hai, meri saturation 86 pe hai, and what to do, where to go, how to improve that. So there was only one thing, we had only one, wo bolte hai na kamaan mein bas ek hi last teer tha, proning karo, deep breath slow, and it has worked wonders, because scientific reason hai, when you lie down, jab hum pet ke taraf se lete hain, तो हमारे लंग्स के ऊपर से हमारा हार्ट का प्रेशर चला जाता है, लंग्स को ब्रीद इन करने का, एक्सपैंड करने का बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। सो जो ऑलरेडी डिजीज्ड लंग है, जिसमें ऑलरेडी कोविड हो रखा है, निमोनिया हो रखा है, जो पहले से ही प्रेस हो जाने पे ठीक से काम नहीं कर पा रहे, ऑक्सीजनेशन नहीं कर पा रहे, उनको एक लाइफ लाइन मिल जाती है, तो 5, 6, 7 पॉइंट्स ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन अप चला जाता है, एंड दैट गिव्स द मोरल बूस्ट फॉर द पेशेंट ऑल्सो। Because what I have learned in this COVID ki medicines to chalo bahut sare effective hai, nahi hai, jo bhi hai, hope was the most important thing which patients were missing. Jinko hope mil gaya, wo survive kar ja rahe. Hope, and like you said, panic nahi, wo victory. Yes. Yeah. And falling is like such a high impact on the mind of patients. They were like
रेस्टलेस एंड इन दैट रेस्टलेसनेस बहुत सारे कार्डियक हार्ट फेल जिसको आप कॉमन टर्म में बोलते हो कार्डियक अटैक्स ये सब हो रहे हैं पेशेंट्स. सो प्रोनिंग वाज अ बून इट विल बी इफ देयर इज अ Of course. And sir, lastly, any tips and tricks that you would like to tell our viewers कि हम थोड़ा वो follow करें तो भी थोड़ा सा हमारा बचाव हो सके इस पूरे scenario. फिर से सब unlock होना शुरू हुआ. There was a devastating second wave जो अभी just passed हुआ and we witnessed it and we faced it. ऐसा condition तो हमारे country में कभी नहीं आया था, मैं कभी नहीं बता. And we pray to God कि ऐसा कभी दोबारा हो. But unlock होना शुरू हो रहा. I'm looking at people. They are just willing to go out. They have not learned. हाँ ठीक है जिनके घर में हुआ they are scared थोड़ा. But only we can avoid as a people second, a third wave. Otherwise अगर हम फिर से वही गलतियां करेंगे तो third wave आने से कोई नहीं रोक सकता. हमें COVID appropriate behavior अपनाना ही पड़ेगा. हमें दूसरे countries की तरह खुद को संभालना पड़ेगा. हमें हम अब वैसी छूट के साथ हम gathering नहीं कर सकते. हम vacation पे नहीं निकल सकते. Mask और double mask better. Balanced diet, healthy diet, breathing exercise, sanitization, 6 feet distance. ये अभी जब तक कोविड खत्म नहीं होता ये हमें मेंटेन करना पड़ेगा. नहीं तो इंडिया से कोविड कभी नहीं खत्म हो पाएगा. वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू आवर लिटरेसी रेट ऑफ हमारा जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से. अदरवाइज विदेशों में पॉपुलेशन नहीं होता. दे डोंट हैव दिस प्रॉब्लम. वी हैव एन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम. सो दैट वो लोग शायद ठीक भी हो जाए. ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 90 डेज या कुछ मंथ्स में कोई केस नहीं आए. यहाँ पे अगर ऐसा कुछ करना है तो बस हमारे ऊपर ही सारा डिपेंड है. सरकार इसमें ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती. तो सर दैट वाज इट. या थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस. इट वाज अ प्लेजर. थैंक यू सो मच. सो वेल लाइक द डॉक्टर सेड कि अभी स्टडी की डिटेल्स आने के और वेट करें. एंड विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन डू नॉट गो फॉर सच MRIs एज वेल एज सिटी स्कैन्स. Effects ho sakte hain, but do not panic, please, and have a healthy diet and stay safe. And agar aapko hamara aaj ka segment pasand aaya, then please do like, share and subscribe to DN. And do not forget to share this video as much as you can. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Keep watching DN.